Dear students, today we discuss about the calculation of coefficients of sp2 hybrid orbitals. BH3 या BCl3 में बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उच्च अवस्था में 1s2, 2s1, 2px1, 2py1. इसमें बोरान के एक 2s तथा दो 2p कक्षक मिश्रित होकर तीन समान ऊर्जा के sp2 संकृत कक्षक बनाते हैं. इन तीन संकृत कक्षकों के लिए तरंग फलन ψ1 a1 ψs + b1 ψ px + c1 ψ py, ψ2 a2 ψs + b2 ψ px + c2 ψ py. तीसरे संक्रमित कक्षक का तरंग फलन ψ3 a3 ψs + b3 ψ px + c3 ψ py. ये तीनों समीकरणों को क्रम में 1, 2, 3 नंबर देंगे. इसके बाद अपन का यह a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 यहाँ पे मिश्रित गुणांक करना है. इसके लिए सबसे पहले क्या हुआ, s कक्षक का गोलाकार होता है आकार, इसलिए कि इसका आवेश घनत्व तो तीनों संकृत कक्षकों में समान रूप से वितरित रहता है. अतः a1² = a2² = a3² = 1/3 या a1 = a2 = a3 = 1/√3. इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है, अगर यह माने कि ψ1 x अक्ष की तरफ है तो कक्षक py में इसका अंशदान कितना होगा, शून्य होगा, अतः c1 = 0. अब क्या हुआ इसमें, तो ψ1 में क्या a1 मालूम पड़ गया आपको, c1 की मालूम पड़ गया 0. अब b1 निकालने के लिए क्या करता है इसको अपन, तो नेक्स्ट तीसरा पॉइंट के अंदर ψ1 का प्रसामान्यीकरण करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करने से क्या होता है, इंटेग्रल ψ d λ = 1 के बराबर होता है. इसलिए a1² + b1² + c1² = 1. यहाँ पर क्या, a1 = 1/√3, c1 = 0. अतः यह मान समीकरण में लगाने पर क्या होगा, 1/3 + b1² + 0 = 1, या b1² = 1 - 1/3 = 2/3, या b1 = √2/3. अब a1 b1 c1 कैलकुलेशन होगा, a2 a3 आ गया. अपना पर्पस क्या रह गया, b2 c2 b3 और c3 के मान परिकलन करना है. इसके लिए क्या हुआ, लाम्बिक की शर्त लगाना पड़ता है. ψ1 व ψ2 तथा ψ1 व ψ3 लाम्बिक शर्त लगाने पर क्या होगा, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0. लंबकोणीयता में क्या होता है, मान 0 के बराबर होता है. इसी प्रकार और ψ1 और ψ3 की लगाने पर क्या होगा, a1 a3 + b1 b3 + c1 c3 = 0. अपन को मालूम है c1 = 0 दोनों में, अतः a1 a2 + b1 b2 = 0. इसी प्रकार a1 a3 + b1 b3 = 0. अपन को a1 a2 b1 का मालूम है, इनका मान रखने पर क्या होगा, 1/√3 + √2/√3 b2 = 0, या b2 सिंप्लीफाई करने पर 2√2/3 b2 = -1/3, या b2 = -1/√6. इसी प्रकार b3 = -1/√6 प्राप्त होता है अपन को. अब ψ2 की नॉर्मलाइजेशन शर्त लगाने पर क्या होगा, a2² + b2² + c2² = 1. अपन को मालूम है a2 और b2 को मालूम है, c2 निकालना है, c2² = 1 - a² - b² a² = 1/3, b2² = 1/6. क्या होगा, c2 = 1/√2. और ψ3 की नॉर्मलाइजेशन की शर्त लगाने पर होगा, a1² प्लस
ये ना ए थ्री स्क्वेयर प्लस बी थ्री स्क्वेयर प्लस सी थ्री स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, या सी थ्री स्क्वेयर इज इक्वल टू वन माइनस ए थ्री स्क्वेयर माइनस बी थ्री स्क्वेयर। ए थ्री स्क्वेयर माइनस बी थ्री स्क्वेयर के मान रखने पर सी थ्री स्क्वेयर इज इक्वल टू वन बाई टू। अब सी थ्री इज इक्वल टू क्या हुआ, रूट लेने पर प्लस माइनस वन बाई रूट टू प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या हुआ, सी टू के मान भी वन बाय रूट टू है। साई टू व साई थ्री के अलग प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर सी थ्री इज इक्वल टू माइनस वन बाय रूट टू लेते हैं। अतः ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू व सी थ्री का मान समीकरण एक और दो और तीन में रखने पर क्या होगा, साई वन इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री साई एस प्लस रूट टू बाई थ्री साई पी एक्स। साई टू इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री साई एस माइनस वन बाय रूट सिक्स साई पी एक्स प्लस वन बाय रूट टू साई पी वाई। साई थ्री इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री साई एस माइनस वन बाय रूट सिक्स साई पी एक्स माइनस वन बाय रूट टू साई पी वाई। ये तीनों क्या हुआ, एस पी टू संग्रहित कक्षकों के तरंग फलन को प्रदर्शित करता है तीनों समीकरण।